लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे जिसके लिए मैंने ये सवाल आपसे किया है और ये मौजू छेड़ा है कि अगर आपका नाम मोहम्मद है तो आप अपनी कुनियत अबुल कासिम नहीं रख सकते। शरीयत में इस बात को मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात वारिद है कि कोई आदमी मेरा नाम और मेरी कुनियत इन दोनों चीज़ों को एक साथ अपने अंदर जमा ना फरमाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका नाम मोहम्मद है तो आप अपने बेटे का नाम कासिम रखकर अपने आप को अबुल कासिम ना कहलवाएं, कि आप मोहम्मद भी बन जाएं और आप अबुल कासिम भी बन जाएं। इन दोनों को एक आदमी में जमा करने के लिए नबी ने मना फरमाया है। मोहम्मद और अबुल कासिम ये दोनों नाम एक आदमी के अंदर जमा ना किए जाएं। ये सिर्फ मेरी सिफत है, वरना अलग तौर से अगर कोई अपना नाम मोहम्मद रख ले, इसी तरह कोई दूसरा इंडिविजुअल पर्सन वो अपना नाम अबुल कासिम रख ले, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन एक ही आदमी अपने आप का नाम मोहम्मद और इसी तरह अबुल कासिम भी अपने आप को कहे, अपनी कुनियत रख ले, इस्लाम में इससे मना किया गया है।